Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about the concept wind energy. Wind से हम कैसे energy derive करते हैं और कैसे उसको different uses में ला सकते हैं, इसको हम समझेंगे, ठीक है? आपने एक wind mill देखा होगा, ठीक है? ये है एक wind mill जिसमें fan की तरह blades होते हैं, ठीक है? और हवा की वजह से ये जो इसके blades हैं, वो क्या करते हैं? Rotate करते हैं। और इसी रोटेशन के बेसिस पे हम जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी भी ड्राइव कर सकते हैं, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी, ठीक है? अभी कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसको हम समझेंगे, ओके? तो एग्जैक्टली पहले विंड एनर्जी होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हमें पता है विंड मतलब क्या है, एयर के मूविंग करने को, मूव करने को हम बोलते हैं विंड, मतलब चलती हुई हवा को हम क्या बोलेंगे, विंड, ठीक है? खास तौर पे जब तेज चल रही हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उसको विंड कहते हैं। विंड पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अब मोशन में है विंड, इसलिए उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज हार्नेस्ड बाय अ विंड मिल। जो विंड में काइनेटिक एनर्जी होती है उसका यूटिलाइजेशन करता है एक विंड मिल, और डिफरेंट वर्क भी किए जा सकते हैं उसके थ्रू और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है, ठीक है? अब विंड मिल होता क्या है, अ विंड मिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज साइज्ड टेबल फैन लाइक ब्लेड्स व्हिच आर फिक्स्ड ओवर द टॉप ऑफ अ टॉल पोल लाइक स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट दे आर फ्री टू रोटेट। जैसे आपने फैन में ब्लेड्स देखे होंगे, तो वैसे ही बड़े बड़े साइज के ब्लेड्स जो हैं लिए जाते हैं और उसको एक बड़े से पोल स्ट्रक्चर पे फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो आसानी से रोटेट कर सके। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये जो सेक्शन है वो हो गया ब्लेड्स का, ठीक है? और ये जो लगा हुआ है वो क्या है, पोल है, ठीक है? और ये जो ब्लेड्स हैं इस पोल के में फिक्स तो है, लेकिन ये रोटेट हो सकते हैं। कैसे रोटेट होंगे, जब हवा तेज से इन पे पड़ेगी तो ये रोटेट होंगे। आपने फिरकी देखी होगी, जब हम दौड़ते हैं तो हवा के कारण वो घूमती है, सेम तरीके से ये भी इस तरह से घूमेगा, जब लेकिन फोर्सफुली जब विंड इस पे टकराएगी, ठीक है? तो ये था विंड मिल है क्या। The rotatory motion of the blades of the windmill is used to do mechanical work through a shaft connected to the rotatory blades. अब ये जो rotatory motion हो रहा है किसका, इनके blades का, ठीक है? उसको किसी एक shaft से, the long pole से connect करके किसी दूसरे चीज को भी घुमाया जा सकता है और एक mechanical work किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको ये जो floor है, मतलब गेहूं या अनाज जो है उसको पीसना है, ठीक है? तो ये रोटेट करेगा शाफ्ट के कारण, जो सिल्लियां होंगी वो भी क्या होंगी, रोटेट होंगी, और जो भी आपने फ्लोर मिल फ्लोर्स डाले होंगे, मतलब गेहूं चावल जो डाला हुआ उसको भी पीसा जा सकता है। इसके अलावा कुएं से पानी निकालने का काम भी पहले इसके थ्रू किया जा सकता है, अगर आपने इसको उस शाफ्ट को इस तरह से अरेंज किया है कि वो अप एंड डाउन मोशन कर सके। मतलब ये मोशन तो ये रोटेटरी देगा फैंस, लेकिन वो शाफ्ट जो है वो अप एंड डाउन मोशन करेगा और पानी जो है कुएं से निकाल सकता है। इस तरह का भी एक मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है। सो व्हेन द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल रोटेट बाय द फोर्स ऑफ विंड द शाफ्ट कनेक्टेड टू देम ऑल्सो रोटेट्स। तो पहले जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे किसके कारण, विंड के फोर्स की वजह से, और उनसे अटैच जो शाफ्ट है, मतलब लॉन्ग पोल है, वो भी क्या होगा, रोटेट होगा। अर्लियर दिस रोटेटिंग शाफ्ट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल एंड टू ग्राइंड वीट इनटू फ्लोर। पहले के जमाने में कह सकते हो, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब नहीं आई थी, तब इसका कैसे यूज किया जाता था, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल एंड टू ग्राइंड वीट इनटू फ्लोर, अनाज को पीसने में काम आता था, ठीक है? इन प्रेजेंट डेज
विंड मिल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आज के दौर पे अगर हम देखें तो इस विंड मिल को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज में लाते हैं, ठीक है। कैसे लाते हैं इसको देखें। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मतलब अब हमने क्या किया, इसका जो रोटेटरी मोशन होगा किसकी वजह से, विंड की वजह से। विंड मिल का जो ब्लेड्स है वो विंड की वजह से घूमेंगे और शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देंगे एक जनरेटर के टर्बाइन से। तो विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे, शाफ्ट रोटेट होगा और शाफ्ट को कनेक्ट किया है जनरेटर के टर्बाइन से, तो टर्बाइन भी रोटेट होगा और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। When the fast moving wind strikes the blades of the windmill, then the blades rotate continuously, which rotates the shaft connected to it. The shaft is connected to the turbine of a generator, so this rotates the turbine of the generator to produce electricity. ठीक है? The electricity generated by a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purpose. मतलब एक windmill से जो electricity generate होगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होगी। इसके लिए क्या किया जाएगा, कई सारे विंड मिल जो है एक बड़े से एरिया में लगा दिए जाएंगे और उनको कलेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर अ नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया विच इज नोन एज विंड एनर्जी फार्म। एक लार्ज एरिया में बहुत सारे हम विंड मिल्स को अरेंज कर देते हैं और उस एरिया को बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म, ठीक है, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करते हैं। द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ ईच विंडमिल इन अ फार्म इज कंबाइंड टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ कमर्शियल स्केल। अब हर विंडमिल से जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसको इकट्ठे कलेक्ट करके हम जो है कमर्शियल पर्पस में उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इस तरह से विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब विंड एनर्जी सेटअप करने के या विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी डिराइव करने के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस, पहले विंड एनर्जी डस नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। अब इस पर अगर ध्यान दें हम तो क्या है, हवा के चलने की वजह से ब्लेड्स रोटेट हुए, ब्लेड्स के रोटेशन से शाफ्ट रोटेट हुआ, शाफ्ट के रोटेशन से जनरेटर का टर्बाइन रोटेट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो कहीं पे भी कोई अलग से कोई फ्यूल नहीं यूज किया हमने, कुछ और चीजें नहीं की, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ पोल्यूशन होती है। तो मेजर एडवांटेज तो यही है कि कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। दस इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो एनवायरमेंट भी क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इट इज एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। अब ये एक एफिशिएंट सोर्स है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब विंड जो है हमेशा यहाँ पे मौजूद रहेगी अर्थ पे, ठीक है। विंड बनती कैसे है, सन के हीट की वजह से क्या होता है, एक एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो वहां से हॉट एयर मूव करना शुरू करते हैं, उसकी जगह पे कोल्ड एयर आ जाती है, ठीक है, इसी तरह से मूवमेंट होता है विंड का। तो ये तो हमेशा बना रहेगा, मतलब कैसी एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, कभी खत्म नहीं होगी, इसको मैक्सिमम यूज करना चाहिए, ठीक है। विंड एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ा, तो इस एनर्जी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। हालांकि इसके पूरे सेटअप में शुरू में इनिशियल कॉस्ट जरूर लगेगा जो कि काफी महंगा होता है, लेकिन हमको अलग से कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ रहा है, तो हमको एनर्जी डायरेक्टली मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, हवा के चलने से सीधे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा भी नहीं कि एक बार शुरू में इनिशियल कॉस्ट जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल हमें कुछ पैसे इसमें खर्चे करना पड़ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। मेंटेनेंस की बात अलग है, लेकिन कोई रिकरिंग कॉस्ट इसमें नहीं होता, मतलब लगातार बार बार कोई कॉस्ट हमें खर्चा नहीं करना पड़ रहा है इसमें। तो ये एडवांटेजेस हैं विंड एनर्जी के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, कि क्यों हम जो है विंड एनर्जी का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इसको देखते हैं।
limitations. Wind energy farms cannot be set up everywhere. जो विंड एनर्जी फार्म्स है मतलब कई विंड मिल्स को हमने एक पूरे एरिया में लगा दिया हो उस फार्म को बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। ये हर जगह सेटअप नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूरी जगह पे सेटअप किया जा सकता है जहां पे हवा का बहाव तेज हो। हवा का बहाव तेज नहीं होगा तो ब्लेड्स ढंग से रोटेट नहीं करेंगे और एडुकेट अमाउंट में रोटेशन ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सही ढंग से जनरेट नहीं होगी। तो जो जगह का चुनाव हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि वहां पे हवा तेज चलती हो, ठीक है। दे कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोस प्लेसेस वेयर विंड ब्लोस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ अ ईयर। वो भी है कि हवा वहां पे पूरे साल में लगभग हमेशा चलती रहती हो, ऐसा नहीं कि हम वहां पहुंचे और हवा तो मौजूद होती है लेकिन ब्लोइंग विंड नहीं होती, मतलब मूव करती हुई विंड हमें नहीं मिलती, तो उस केस में क्या है वो वर्क नहीं करेंगे। तो एरिया का जो चुनाव है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और हर जगह में ऐसे नहीं मिलता है। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। मतलब विंड की जो स्पीड है जनरेटर के टर्बाइन को रोटेट करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत भी मान लीजिए उतार चढ़ाव होता है स्पीड में तो प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, मतलब लगातार हमें फोर्सफुली विंड का बहाव चाहिए रहता है, ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। सेटअप ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अब पूरा जो विंड एनर्जी फार्म बनाया है जहां पर बहुत सारे विंड मिल्स को अरेंज किया है तो हमें बड़े से एरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक कंपैरिजन दिया गया है, फॉर अ 1 मेगावाट जनरेटर द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। एक 1 मेगावाट जनरेटर का फार्म अगर हमें बनाना है तो लगभग 2 हेक्टेयर लैंड की जरूरत पड़ती है। तो इतना ज्यादा आजकल कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो इतना बड़ा स्पेस जो है आसानी से नहीं मिलता, तो उसको सेटअप करने में दिक्कत ये आती है, ठीक है। द सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज वेरी एक्सपेंसिव। तो शुरू में जो लागत लगती है पूरे विंड एनर्जी फार्म को बनाने में वो काफी महंगी होती है। बाद की चीजें मान लीजिए उतनी नहीं है कि हमको कोई फ्यूल डालना पड़ रहा हो, लेकिन शुरू में लागत जो है काफी हाई अमाउंट होता है, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टावर एंड ब्लेड्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस एक्सपोजर टू रेन, स्टॉर्म, साइक्लोन एक्सेट्रा। अब क्या होता है ये विंड एनर्जी फार्म मतलब विंड मिल्स जो है वो तो बाहरी है, तो लगातार जो मौसम में बदलाव आते हैं, कभी रेन आ रहा है, कभी साइक्लोन्स आ रहे हैं, कभी स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो आंधी तूफान आ रहे हैं, ये सब जो है किसको झेलना पड़ता है उस टावर को और उन ब्लेड्स को। लगातार जो इंट्रैक्शन होता है इस फॉर्म में उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है, उनका जो सरफेस है वो इरोड हो जाता है, जंग पड़ जाता है, कई चीजें होती हैं, तो हमें रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, ऑयलिंग करते रहना पड़ता है, पेंटिंग करते रहना पड़ता है, इस तरह से हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है एक विंड मिल फार्म को चलाने के लिए। तो ये सारे जो है लिमिटेशंस है विंड एनर्जी को यूज करने के। हालांकि कॉस्ट फ्री है, कैसे विंड वहां अवेलेबल होती है, विंड के बेसिस पे एनर्जी को हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इन सब रीजंस की वजह से जो है इसको व्यापक तौर पे या काफी वाइड फॉर्म में इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है।